क्वेश्चन नंबर 21 सिंपलीफाई. पहला क्वेश्चन है x रेज टू द पावर a प्लस b अपॉन x रेज टू द पावर c ओवरऑल का पावर a माइनस b इनटू x रेज टू द पावर b प्लस c अपॉन x रेज टू द पावर a और इसका पावर है b माइनस c x रेज टू द पावर c प्लस a अपॉन x रेज टू द पावर b ओवरऑल का पावर है x ओवरऑल का पावर है c माइनस a. ठीक है, इसको सिंपलीफाई करना. पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है. पहले हम इसको करते हैं फिर इसको भी करेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी है उसको हम क्या करेंगे, पहले सब में ऊपर ले जाएंगे. तो जो डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे पहले, तो हमें करना क्या पड़ेगा, है ना, ये जो है ऊपर पावर क्या होता है माइनस हो जाता है ना. इस तरीके से पहले फॉर्मूले पे आ जाएगा ए रेज टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर एन. ये क्या होता है ए रेज टू द पावर एम माइनस एन, है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा. इससे वाले फॉर्मूले पे इसको हम करेंगे सॉल्व. तो ये लिखा हुआ है, यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका. ये है तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं x रेज टू द पावर a प्लस बी x रेज टू द पावर c a माइनस बी इंटू x रेज टू द पावर b प्लस c अपॉन x रेज टू द पावर a b माइनस c इंटू x रेज टू द पावर c प्लस a अपॉन x रेज टू द पावर b इंटू c माइनस c. ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ था उसको हमने क्या किया, लिख लिया. अब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर a प्लस b और ये पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो c माइनस में हो जाएगा, है ना. टोटल का पावर क्या आ जाएगा a माइनस b इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर b प्लस c ऊपर का और ये ऊपर जाएगा पावर तो किसमें आ जाएगा माइनस में और इस टोटल का पावर क्या है b माइनस c. ठीक है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर c प्लस a और ये पावर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा c प्लस a, a पावर ऊपर में जाएगा तो माइनस b और ओवरऑल का पावर क्या हो जाएगा c माइनस a. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखिए. यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है ना, यहाँ भी x है इसके भी कुछ पावर है. पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो पावर है a माइनस b इसमें इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना. तो पहले मैं इसको सिंपली तरीके से लिख लेता हूँ x रेज टू द पावर a प्लस b माइनस c इंटू a माइनस b. ठीक है, इंटू x रेज टू द पावर b प्लस c माइनस a इंटू b माइनस c इसका पावर इंटू x रेज टू द पावर c प्लस a माइनस c प्लस a माइनस b इंटू c माइनस a. लिख लिया हमने इस तरीके से. अब आपको भी क्या करना है, इस पूरे a प्लस b माइनस c में एक बार a से मल्टीप्लाई करनी है और एक बार फिर माइनस b से मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर ये हो जाएगा a प्लस, अब देखिए इस a से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, है ना. अब b में प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस ab. अब माइनस माइनस c में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ac. अब माइनस b से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस ab, है ना. माइनस b और प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू b स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा bc. ये पहला हो गया इंटू x रेज टू द पावर यहाँ आप देखिए यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू b क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab माइनस bc और ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर c और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ac. ओके, इंटू x मैं इधर इधर चला जाएगा, मैं इधर नीचे में लिखू चलो सामने में लिख देता हूँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर. x रेज टू द पावर देखिए अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा c इंटू सी सी स्क्वायर x का पावर सी स्क्वायर. अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए सी, है ना. अब माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी सी. अब माइनस ए से a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए सी, है ना. अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी. हो गया, अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला टर्म होगा इसमें, कुछ ऐसा टर्म तो जो होगा जो कैंसिल होगा. यहाँ पे माइनस ए सी प्लस ए सी से क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसमें भी कुछ कैंसिल होने वाला होगा. माइनस ए बी है यहाँ प्लस ए सी है यहाँ प्लस बी सी है माइनस देखिए प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कैंसिल होने वाला होगा, देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी से
क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बस क्या गया फिर तो एक्स रेज टू द पावर ए स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहां से बच गया इंटू एक्स रेज टू द पावर, यहां से क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स रेज टू द पावर, यहां से क्या बचा सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब तीनों एक्स क्या है मल्टीप्लाई में है तो हम ओवरऑल एक्स का सारे पावर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। सारे पावर लिख दिए मैंने एक्स के, जितने भी पावर थे सबके सब लिख दिए। अब इसमें देखिए कुछ कैंसिल होने वाला टर्म होगा है ना, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए सी से देखिए ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल हो गया, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो गया, टोटल कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा जीरो। एक्स रेज टू द पावर जीरो इक्वल टू वन आंसर, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, जगह की कमी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये ऐसे रूट भी दिया हुआ है तो हम पहले क्या करते हैं ये जो रूट है ये हटा लेंगे तो ये क्या जाएगा इसका पावर है ना वन अपॉन, ये जो रूट में दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये क्या आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर एल अपॉन एक्स रेज टू द पावर एम इंटू ये क्या आ जाएगा वन अपॉन एल एम पावर। ओके, ये आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर एम अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन और इस यहाँ पे क्या आ जाएगा एम एन वन अपॉन एम एन, इसका पावर क्या गया वन अपॉन एम एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन एक्स रेज टू द पावर एल, टोटल का पावर क्या आ जाएगा वन अपॉन एन एन। ठीक है, इस तरीके से आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एल माइनस एम है ना एल माइनस एम, अब इस तरीके से लिखता हूं मैं, इसका पावर क्या हो जाएगा वन अपॉन एल एम इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एम माइनस एन एक्स रेज टू द पावर एम माइनस एन, पावर क्या है वन अपॉन एम एन है ना इंटू यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा एन माइनस एल, इसका पावर क्या होगा वन अपॉन एन एल। ठीक है, लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हम देखते हैं अब हम क्या करेंगे इसके पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एल माइनस एम अपॉन एल एम। ठीक है, ये आ गया इनटू यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा एम माइनस एन अपॉन एम एन इनटू एक्स रेज टू द पावर यहाँ पे क्या होगा एन माइनस एल अपॉन एन एल, इस तरीके से आ गया राइट। अब यहाँ के बाद ये वाला स्टेप लिखता हूँ, ये जो स्टेप है इधर का है ना, मैंने इस तरीके से बना दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, अभी यहाँ भी एक्स है ना, बेस सब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा एड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एल एम एल माइनस एम अपॉन एल एम प्लस एम माइनस एन अपॉन एम एन प्लस एन माइनस एल अपॉन एन एल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर, अब देखिए इसके जो है तीनों के हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा एम एन एल है ना, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको हम अब करेंगे तो यहाँ एल एम है यहाँ एल एम तो किसे मल्टीप्लाई होगा एन से, तो यह हो जाएगा एन एल माइनस एम एन प्लस यहाँ एम एन है यानी एल एल से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो एम एल माइनस एल एन एल प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एल है तो एम नहीं है तो एम से मल्टीप्लाई होगा तो एम एन माइनस एल एम, ये आ गया हमारा क्या पूरा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कैंसिल होने वाला टर्म है कुछ प्लस एन एल माइनस एन एल प्लस एम एल माइनस एम एल है ना प्लस एम एन माइनस प्लस एम एन से माइनस एम एन कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया एक्स रेज टू द पावर जीरो अपॉन एम एन
एल, इसका मतलब क्या है एक्स रेस टू दी पावर जीरो इक्वल टू क्या वन, है ना, सिंप्लीफाई हो गया, कितने इजीली तरीके से सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उसके लिए हमें पहले इसको मिटाना पड़ेगा। इधर का एक क्वेश्चन नंबर वन का स्टेप था, है ना, मिटा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 22, सो दैट क्वेश्चन नंबर 22 है, सो दैट a प्लस वन अपॉन a रेज टू द पावर m इंटू b माइनस वन अपॉन b रेज टू द पावर n अपॉन b प्लस वन अपॉन b रेज टू द पावर m इंटू a माइनस वन अपॉन a रेज टू द पावर n, ये है क्या b प्लस, नहीं, यहां पे b है और यहां पे a है, तो b प्लस वन अपॉन a, b प्लस वन अपॉन a के पावर m है और यहां पे b माइनस वन अपॉन a, b माइनस वन अपॉन a रेज टू द पावर m इक्वल टू प्रूव करना है a अपॉन b रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है, ये प्रूव करना है। ये 21 का सेकंड था, अभी इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, ठीक है। तो पहले तो जो LHS में है उसको हम लिख लेंगे, हमारा LHS क्या है, LHS a प्लस वन अपॉन b रेज टू द पावर m इंटू a माइनस वन अपॉन b रेज टू द पावर n अपॉन b प्लस वन अपॉन a रेज टू द पावर m इंटू b माइनस वन अपॉन a रेज टू द पावर m, ठीक है। इतना तो लिख लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा ab, ab प्लस वन रेज टू द पावर m, ab प्लस वन अपॉन b आ जाएगा ना ये तो, ठीक है, पावर m इंटू यहां से क्या आ जाएगा ab माइनस वन अपॉन b रेज टू द पावर n अपॉन यहां से क्या आ जाएगा ab प्लस वन अपॉन a रेज टू द पावर m इंटू ab माइनस वन अपॉन a रेज टू द पावर n, ठीक है, कितना आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ab प्लस वन के पावर m अपॉन b के पावर n, b के पावर m इंटू ए बी माइनस वन रेज टू द पावर n अपॉन b के पावर n, टोटल का फ्रैक्शन है ना इक्वल टू है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस वन रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर m इंटू ए बी माइनस वन रेज टू द पावर n अपॉन a रेज टू द पावर n, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आप देखते हैं इसको सही से हम लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ab प्लस वन रेज टू द पावर m इंटू ab माइनस वन रेज टू द पावर n अपॉन अपॉन b का पावर m इंटू b का पावर n, और ये वाला फ्रैक्शन है ना, ये जो लाइन है यहां पे लिखा। अब देखिए, अब इसको जब करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा नीचे में, है ना, सही से लिखता हूं मैं, देखिए एक से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखते हैं, ये नीचे का जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ab प्लस वन रेज टू द पावर m ab माइनस वन रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर n। अब ये जो है ना ये ऊपर जाएगा इंटू a रेज टू द पावर m
इंटू ए रेस्ट टू दावर एन, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, ए बी, ये वाला टर्म जो है वो नीचे में आ जाएगा, ए बी प्लस वन रेस्ट टू दावर एम इंटू ए बी माइनस वन रेस्ट टू दावर एन, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला टर्म है, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया है, एक ए रेस्ट टू दावर एम इंटू ए रेस्ट टू दावर एन अपॉन बी रेस्ट टू दावर एम इंटू बी रेस्ट टू दावर एन। तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, ए के पावर एम माइनस एन, या माइनस है, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। नहीं प्लस है, एम प्लस है, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, ए रेस्ट टू दावर एम प्लस एन, और ये क्या हो जाएगा, बी रेस्ट टू दावर एम प्लस एन। इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए अपॉन बी रेस्ट टू दावर एम प्लस एन प्रूफ, यही तो हमारा आरएचएस है, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पिछली एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व करने के लिए बताया है, उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे, जिससे नहीं, पहले खुद से आपको कोशिश करना है सॉल्व करने की, अगर आप लोगों से नहीं हो पाएगा तो मुझे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। थैंक यू।